यहाँ से शुरू होता है मेरा डे टू। सबसे ज़्यादा मेहनत जो लगती है ना एक राइडर को, वो अपनी बाइक पे अपने सारे बैग्स को बांधना, जो पैक करना होता है ना, सबसे ज़्यादा मेहनत का लगता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। सो मैं पहुंच चुका हूं मनाली, कल रात में मनाली पहुंच गया हूं। अगर आप लोगों ने मेरा कल का व्लॉग नहीं देखा है तो ऊपर लिंक दे रखी है मैंने, ऊपर लिंक पे क्लिक करके मेरा पहले कल का व्लॉग देखो। और आज मैं हूं मनाली में, तो कल रात को काफ़ी लेट हो गया था मनाली पहुँचते पहुँचते, तो काफ़ी थक गया था, तो आगे सीधा सो गया। मैंने कुछ भी अपनी अनपैकिंग पैकिंग नहीं करी बैग्स की ज़्यादा, सिर्फ ला के बाइक से अनलोड करके अपने रूम में रख दिए थे मैंने। थोड़ा बहुत सा सामान निकाला था, वो निकाला। उसके बाद अब मैं आज आगे नहीं जा रहा हूँ मनाली से, मैं आज पहले यहाँ पे स्टे करूँगा मनाली में, थोड़ा मनाली को एक्सप्लोर करूँगा, अपने बैग्स वगैरह को क्लीन करूँगा। सारी चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी कल, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी में चेहरा पूरा काला पड़ गया था। उसके बाद ये सारे काम करके आज थोड़ा रेस्ट करके मनाली को एक्सप्लोर करके, उसके बाद मैं कल सुबह निकलूँगा जिस्पा के लिए। तो अभी का मेरा यही प्लान है, अभी मैं फटाफट रेडी होता हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह करता हूँ, फिर बाहर चलता हूँ मनाली एक्सप्लोर करने के लिए। सो गाइस, इस पे पूरी शीशे पे धूल जम चुकी है, पूरे वाइज़र पूरा गंदा पड़ा है, हेलमेट पूरा गंदा पड़ा है। तो अभी सबसे पहले काम अपने हेलमेट को वाइज़र को पूरा क्लीन करता हूँ। तो ये क्लीनिंग किट है बेसिकली, ये मैं लेकर आया था अपने साथ, तो इस पर लगाते हैं। थोड़े थोड़े टाइम में वाइजर क्लीन करते रहना चाहिए। कल तो उसमें मच्छर भी काफ़ी मरे हैं, चिपके हुए थे काफ़ी सारे मच्छर, वो क्लीन करें यहाँ से। सो गाइज, आपने कल मेरे देखे थे शूज़, जो गंदे वाले शूज़ थे, साइड में पिक भी आ रही है, देख लो आप कि मेरे शूज़ कैसे हो गए थे, ऐसे मेरे सारे गियर्स हो चुके थे। तो अभी मैंने सारे गियर्स क्लीन करे हैं बिल्कुल, मेरे राइडर शूज़, मेरा हेलमेट मैंने क्लीन किया है, नी पैड एल्बो पैड मैंने क्लीन किए हैं, मेरी राइडर जैकेट बाला ग्लाव सब इतने ज़्यादा मिट्टी में हो गए थे, इतने ज़्यादा गंद धूल मिट्टी, तो आज मैंने थोड़े क्लीन अप किए हैं। तो अब मैं फटाफट से रेडी होता हूँ अपने डे टू के लिए, जो कि मैं जा रहा हूँ जिस्पा। अभी एक्चुअली प्लान में थोड़ा चेंज है, तो गाइस अभी प्लान में थोड़ा चेंज आ गया है। जैसे मैंने अभी तुमको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं निकल रहा हूँ मनाली के लिए एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन हुआ क्या, मेरे को अभी एकदम से याद आया कि मेरा जो आरटीपीसीआर टेस्ट था वो कल शाम तक एक्सपायर हो जाएगा। 72 आवर्स का चाहिए होता है मेरे को, तो 72 आवर्स मेरे को कल शाम को जाएंगे। तो फिर मैंने प्लान किया कि आज मैं निकल जाता हूँ यहाँ से जिस्पा के लिए, और फिर कल सुबह जिस्पा से मैं लेह के लिए निकल जाऊँगा। तो गाइज़, मैं अभी निकल रहा हूँ अपने डे टू को एक्सप्लोर करने के लिए, मनाली टू जिस्पा, जिसका डिस्टेंस अराउंड 95 किलोमीटर्स है, और ये डिस्टेंस मैं अराउंड 3 आवर्स में कंप्लीट कर लूँगा। तो फिर मैं अभी अपने सारे बैकपैक्स रेडी करता हूँ, अपने लोड करता हूँ बाइक के ऊपर और फटाफट से, और फिर आपको मिलता हूँ हेलमेट के साथ बाइक पे ऑन राइड। सो गाइस, ये है मेरा पूरा लगेज जो मैं अभी पैक करने वाला हूँ, साइकिल बैग्स, टेंट बैग, मेरा बैकपैक, ये पैक होगा मेरी बाइक पे। थैंक यू सो मच भैया, आपने हेल्प करी, ठीक है, थैंक यू भैया। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा प्लान चेंज हो गया है, तो मैं यहाँ से अटल टनल होते हुए जिस्पा की तरफ निकल रहा हूँ। ये यहाँ की रिवर, 4 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने यहाँ पे अच्छा खासा इंजॉय किया था। अटल टनल के लिए, अटल टनल, अटल टनल ये रोहतांग को तो लेके जाएगा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सो गाइस, जैसा मैंने बताया था प्लान में चेंज है, मैं निकल चुका हूँ मनाली से, मैंने होटल से चेकआउट कर लिया है, अब मैं जा रहा हूँ जिस्पा की तरफ, और बाइक फुली लोडेड है। आपने अभी देखा होगा कि सबसे ज़्यादा मेहनत जो लगती है ना एक राइडर को, वो अपनी बाइक पे अपने सारे बैग्स को बांधना, जो पैक करना होता है ना, सबसे ज़्यादा मेहनत करना। मतलब मैं सुबह नहाया धोया, पसीनों में नहा गया, उसके बाद इतनी ठंड वाली जगह पे भी बैग पैक करते करते, और हाथ पैर गंदे हो गए मिट्टी की वजह से, वो अलग, मतलब अच्छा खासी मेहनत वाला काम है बैग पैक करना, बाइक पर लोडिंग करना। अनलोडिंग तो फिर भी थोड़ा जल्दी हो जाती है, फटाफट फटाफट खोल देते हैं,
बट पैकिंग करना बिल्कुल देख के कि भैया खोले ना, टाइट हो हर जगह से। और यहाँ से ले है 426 किलोमीटर और रोहतांग 24 किलोमीटर्स, अटल टनल जो है 24 किलोमीटर से यहाँ से। तो यहाँ से शुरू होता है मेरा डे टू, मनाली टू जिस्पा। ये होती है ब्यूटी। थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी है मेरे को यहाँ पे राइडर जैकेट के अंदर। अभी मैंने थर्मल नहीं लगाया हुआ अपना, तो मुझे लग रहा है थोड़ा जाके आगे थर्मल लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओ माय गॉड, ये है मनाली मेरी जान। मैंने कल यहाँ पे पेट्रोल फुल करा लिया था मंडी के पास, बट अब पता करना है यहाँ से मैं पेट्रोल का टैंक फुल करा के चलूँ या कैरी करके चलूँ। कि जिस्पा में मुझे पता नहीं है कि जिस्पा में पेट्रोल पंप है या नहीं है। अगर जिस्पा में हुआ तो मेरी बाइक आराम से जिस्पा तक पहुँच सकती है। जिस्पा से मेरे को पेट्रोल कैरी करके चलना पड़ेगा, शायद आगे नीड पड़ेगी मेरे को पेट्रोल टैंक फुल कराने के बाद भी। जिस्पा में पेट्रोल पंप मिल जाएगा? जिस्पा में नहीं, आगे किलों के साथ मिलेगा, तंदी नहीं। वहीं से उससे आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है फिर? सो गाइस, तो पता चला है कि एक तो ये मनाली में पेट्रोल पंप है, इससे आगे जो ठंडी जगह है ठंडी उसके अंदर पेट्रोल पंप है, तो उससे आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो मैं पहले यहाँ से ठंडी तक जाऊँगा, ठंडी के बाद बैकअप लेके चलूँगा, पेट्रोल कैन में लेके कैरी करूँगा। वैसे भी अगर यहाँ से पेट्रोल कैन में कैरी कर भी लो तो भी अटल टनल के अंदर कोई भी पेट्रोल या भी आग वाली चीज़ें नहीं लेके जाने देते अटल टनल के अंदर, तो इसलिए मैंने इसको कैरी नहीं किया। अभी मेरी टैंक फुल है ऑलमोस्ट, थोड़ा ही पेट्रोल कम हुआ है, तो इसलिए मैं अभी कैरी नहीं कर रहा हूँ, ना ही टैंक फुल करा रहा हूँ। अब मैं ठंडी में टैंक फुल कराऊँगा अपना एक बार, और फिर पेट्रोल कैरी करूँगा साथ में वहीं से। ये जो गाइस यहाँ पे पहाड़ देख रहे हो, आई थिंक ये मनाली में सबसे ऊँचे पहाड़ों में से एक है। ये सबसे ऊँचा पहाड़ है यहाँ पे सामने बिल्कुल, और ये रोहतांग पास के लिए रास्ता जाता है। पहले मैं आया था तो रोहतांग पास सोलांग वैली गया था, इधर से ही होते हुए गया था। और पहले जो लोग थे वो रोहतांग पास होते हुए जाया करते थे लेह की तरफ, जिस्पा की तरफ, बट अटल टनल ने वो रास्ता काट दिया है, तो अब मेनली सारे लोग अटल टनल से जाते हैं। तो मैं भी नहीं गया अटल टनल की तरफ, तो मैं भी अटल टनल से होते हुए ही जाऊँगा जिस्पा में। हे भगवान जी, हम सबका ध्यान रखना, मेरी आज की राइड अच्छी बनाना। जैसे कल मैं सेफली पहुँचा हूँ मनाली, आज मुझे सेफली पहुँचा दो जिस्पा। और ये खूबसूरत नज़ारे मनाली के, ओ माय गॉड क्या व्यू है यार। गाइस अगर कहीं भी जाना है ना किसी को, तो कोई विज़िट करना चाहता है मनाली, तो एटलीस्ट विज़िट करो। ले आपकी मर्जी है, चाहते हो आपको लगता है कैपेबल हो ट्राई कर सकते हो सोलांग वैली। और सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ पे बाइक का ही है, गाड़ियों में इतना मज़ा नहीं है, ट्रैफिक लग जाता है। बाइक पे आओ, सेफ आओ, राइडर जैकेट्स वगैरह, पैंट्स वगैरह सारे सेफ्टी गेयर्स पहन के आओ, और फिर मज़े लो, अलग ही फील आएगा पहाड़ों पे बाइक चला के। छोटे छोटे घर बने हुए हैं यहाँ पे, अच्छे खासे कैंप्स बने हुए दिख रहे हैं मेरे को उधर। यहाँ रिवर बह रही है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में सॉरी, राइट साइड में पहाड़ है, और मज़ा आ रहा है, फुल ऑन इन्जॉय लाइफ के असली मज़े लेह जाने में है। सो गाइस, ये है सोलांग वैली, और यहाँ पर है रोपवे। रोपवे के थ्रू ऊपर जाते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रोपवे है। अभी ऊपर जाके रोपवे के थ्रू आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, लेकिन अभी पैराग्लाइडिंग बंद है जैसे मैंने पूछा है। बाकी डर्ट बाइक या कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो ये है सोलांग वैली मनाली में। अभी बर्फ़ वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर इस टाइम पर, अगर आप नवंबर दिसंबर में आओगे तो अच्छी खासी बर्फ़ मिलती है यहाँ पर। मैं जब लास्ट टाइम आया था तो मैं न्यू ईयर के टाइम पे आया था, तब काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी बर्फ़ थी। तो देखते हैं आगे बर्फ़ मिलती है जिस्पा वगैरह में या नहीं, जिस्पा या केलोंग या लेह में। सो गाइस, सामने साइन बोर्ड लगा हुआ है अटल टनल का, ये अभी हमारा जो रास्ता है अटल टनल की तरफ है। और ये हमारे जवान जाते हुए, फील आता है यार पूरा जब ऐसी गाड़ियां निकलती हैं आर्मी की।
एक किलोमीटर दूर है अटल टनल, तो जल्दी से पहुँचते हैं अटल टनल की तरफ और फिर वहाँ पर बनाते हैं कुछ वीडियो और फोटोग्राफ्स। ऊपर मेरा इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आ रहा होगा, अकाउंट का नेम आ रहा है मेरा इंस्टाग्राम का, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरी लेटेस्ट अपडेट आती रहती है यहाँ पे फोटोग्राफ्स वीडियोस ट्रैवलिंग की, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो करके उनसे अपडेट्स ले सकते हो। फाइनली आई एम इन अटल टनल के सामने और ये रहा अटल टनल, सामने आप लोगों को दिख रहा होगा अटल टनल। सो गाइस फाइनली मेरी बाइक पहुंच चुकी है अटल टनल तक। यहाँ पर भी चेक पोस्ट में हमें चेक करना होता है कि एक्स्ट्रा पेट्रोल वगैरह ना हो, इसलिए पहले ही कंफर्म कर दो कि नहीं है, और ये है अटल टनल। चलो भाई, एंड गाइस मैं एंट्री कर रहा हूँ अटल टनल के अंदर और ये रही अटल टनल। फीलिंग लेवल अलग है भाई, ओ माय गॉड, अटल टनल बहुत ही सुंदर बनी हुई है, बहुत नीट एंड क्लीन है। फोर्टी किलोमीटर पर आर की स्पीड लिमिट है यहाँ पे, वही मेंटेन करनी है। गाड़ी बाइक कुछ भी यहाँ रोकना नहीं है, बीच में कहीं भी रुकना नहीं है, यहाँ पे ओवरटेकिंग नहीं करनी है। तो कुछ रूल्स वगैरह हैं अटल टनल के अंदर जो फॉलो करने चाहिए ट्रैफिक रूल्स। बाकी कोई भी आप एक्सप्लोजिव चीज़ें नहीं लेके जा सकते, पेट्रोल डीजल वगैरह गैस सिलेंडर वगैरह कुछ भी लेकर नहीं जा सकते इसके अंदर। सो गाइस 10 किलोमीटर की अटल टनल अभी जाके ख़त्म हुई है और ये हम अटल टनल से बाहर आते हुए, ये मैं अटल टनल से निकला बाहर। ओ माय गॉड, बाहर निकलते क्या नज़ारे हैं अटल टनल के बाद, ओ भाई साहब, अमेजिंग अमेजिंग ब्यूटीफुल सीन्स। उधर रिवर जा रही है, सो दिस इज ब्रिज, चंद्रा ब्रिज। तो लेह है यहाँ से 396 किलोमीटर, कारगिल 450, श्रीनगर 560। तो हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, राइट में रोहतांग पास है, हम निकलेंगे लेफ्ट की तरफ। और यहाँ से हम चलते हुए जिस्पा की तरफ, राइट साइड में रोहतांग पास, यहाँ पर जिस्पा, तो हम जिस्पा के लिए चलते हैं। बीच में रुकेंगे शायद तांडी में, तंडी मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, तो मैं तो ठंडी बोल रहा था, ठंडी नहीं है वो, ठंडी है तंडी, तंडी करके कुछ जगह है तांडी, तो वहाँ पे पेट्रोल पंप है, तो मैं वहाँ से पेट्रोल रिफ्यूल कराऊँगा प्लस बैकअप के लिए कैन वगैरह लेके उसमें भी लूँगा। और सामने ये जो ब्यूटीफुल सीन्स हैं, मतलब अपने सपनों को पूरा करने के लिए ड्रीम राइड, बेसिकली दिस इज माय ड्रीम राइड। ओह माय गॉड, ये व्यूज जो हैं दिल ले गए मेरे, दिल ले गया मेरा ये नज़ारा। सो गाइस सामने मुझे दिख रहे हैं काफ़ी सारे कैंप, सो जितने भी लोग आते हैं मनाली स्टे करते हैं वो यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं। काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, एक आर्टिफिशियल काइंड ऑफ लेक भी बनी हुई है यहाँ पे, अगर दिख रहा है आपको तो लोग बोटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। सामने काफ़ी सारी बोट्स हैं, अच्छा खासा एरिया बना रखा है ये भी लोगों ने। हम चलते हैं आगे की तरफ, जिस्पा की तरफ। सो गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ शीशु, ये जगह जो है शीशु है, यहाँ पे काफ़ी सारे गेस्ट हाउस होटल्स रेस्टोरेंट्स काफ़ी सारे बने हुए हैं शीशु में। यहाँ पे साइड में कैंप्स वगैरह भी बने हुए हैं, लोगों को अगर कैंपिंग करना हो यहाँ पे स्टे करना हो कैंपिंग का, प्लस ये साइड में रिवर जा रही है। इसके आगे सीधा लेह में मिलेगा पेट्रोल है, चलो 365 किलोमीटर है, चलो भैया इसे फुल कर दो। बोतल मिल जाएगी, बोतल नहीं होगी,
कैन यार, ये कैसे करेंगे फिर हम? मतलब कैन लाया भी नहीं हूँ। अच्छा, कैन लाया नहीं, दिक्कत हो गई। अब कैन के कैन के पास है नहीं, तो वही देख रहा कैन का कैसे करूंगा। तो अच्छा, आपके भाई ट्रैवलर वेक के नाम से चैनल है, सब्सक्राइब कर देना। कोई दिक्कत नहीं आती है ना, ट्रैवलर विवेक, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो गाइस, मैंने यहाँ टंडी से पहले पेट्रोल पंप है, जो यहाँ पे लास्ट पेट्रोल पंप है, अब इसके बाद सीधा जो पेट्रोल पंप है वो 365 किलोमीटर्स बाद लेह में मिलेगा। तो मैंने अपना जो टैंक है वो पूरा कंप्लीट करा लिया है, फुल टैंक करा लिया है मैंने। प्लस यहाँ एक्स्ट्रा कैंस, बगल में एक ढाबा था, ढाबा से एक्स्ट्रा कैंस ले लिया मैंने, 5-5 लीटर्स की दो कैंस, तो इतने मेरा काम चल जाएगा 5-5 लीटर की टू कैंस में, और मैं ले पहुंच जाऊंगा आराम से। तो अभी मैं जिस्पा में रुकूंगा और कल सुबह जिस्पा से निकलूंगा ले के लिए। अब बस मेरे को ना बंजी कॉर्ड लेनी पड़ेगी एक्स्ट्रा शायद, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा अभी डाउट लग रहा है, मेरी जो कैंस हैं बंजी कॉर्ड सही से बंधी नहीं है वो, तो इसलिए मैं शायद बंजी कॉर्ड ले के दोबारा एक बार टाइट करूंगा, क्योंकि ये हिल रही है काफ़ी ज़्यादा। सो गाइस, अभी मैंने जो तेल भरवाया था अपना कैंस में, ये मेरी जो कैंस हैं इसमें मैंने तेल भरवाया, एक 5 लीटर का, एक इसमें भरवाया मैंने तेल, और दो एक्स्ट्रा बंजी कॉर्ड भी लिए हैं, एक बंजी कॉर्ड ये ब्लैक कलर की, एक ब्लू कलर की, जो मैंने इसके अंदर से तेल के शीशे से जैसे हिले ना, प्लस एक मैंने फ्लैग भी लिया है आगे बांधने के लिए। तो ये है, अब मैं इसे यहाँ से जाके चलता हूँ। सो गाइस, टांडी मैंने टांडी क्रॉस हो गया है, अब यहाँ से इसके बाद आएगा केलोंग जो कि है 7 किलोमीटर, और ये जो फ्लैग है जो मैंने लगवाया है बड़ा ही अच्छा लग रहा है ये, ऐसे केलोंग यहाँ से 9 किलोमीटर दिखा रहा है, सॉरी 9 किलोमीटर केलोंग, 12 लच्छा 82, ले 363, एंड यहाँ से उदयपुर भी रास्ता जाता है। ये तो मुझे आज पहली बार मन पड़ा है कि यहाँ से उदयपुर का रास्ता भी आता है, नाइस। तो हम अपने चलते हैं यहाँ से केलोंग होते हुए जिस्पा, जिस्पा का अराउंड 45 मिनट्स का रास्ता बचा है, उदयपुर के लिए ऊपर जाना है और केलोंग जिस्पा के लिए नीचे। अभी तक अगर मैं रोड्स की बात करूं, तांडी क्रॉस करने तक मुझे अभी रोड्स की ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बीच में हल्का फुल्का पैचेस थे या हल्के फुल्के टूटे हुए रोड्स थे, डेट इज़ फाइन। रोड्स काफ़ी अच्छे बने हुए हैं अभी तक दिल्ली टू मनाली और मनाली टू तांडी तक। लेकिन मेरे को जब मैं मनाली आया था मंडी के बाद, जब मनाली शुरू हुआ मंडी के बाद, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई, रोड्स जो थे वो बहुत ज़्यादा टूटे हुए थे, रोड्स ही नहीं थे काफ़ी एरियाज़ में, ऐसा था हाल। इवन ये था कि काफ़ी बड़े बड़े पिलर्स खड़े हुए थे, आई थिंक कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, कोई नए ब्रिजेस या नए एक्सप्रेस वे वगैरह बन रहे हैं वहाँ पे, कोई पुल वगैरह बन रहा है बेसिकली, तो उसके चक्कर में रोड्स ही नहीं थे काफ़ी कई किलोमीटर्स तक, तो वहाँ में वो काफ़ी टाइम लग गया कल वो क्रॉस करने में। बाकी सारे रोड्स जो बने हुए थे बहुत सही थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कहीं पर। तो आगे देखते हैं आगे के रोड्स कैसे होते हैं। वहाँ ऊपर बर्फ़ है, आप लोगों को दिख रहा हो तो शायद ऊपर बर्फ़ है, मुझे बर्फ़ दिख रही है, आई डोंट नो कैमरे में वो दिख रही है या नहीं, बट मैं अपनी आंखों से बर्फ़ देख सकता हूँ ऊपर। और हम इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए इस साइड से निकलेंगे जिस्पा की तरफ, ठंडी क्रॉस हो चुका है एंड ओके, सो ऑफ रोडिंग इज स्टार्ट। आई थिंक यहाँ से रोड टूटे टूटे हैं, पैचेस बने हुए हैं, बाइक काफ़ी ज़्यादा ओवरलोडेड हो चुकी है, तो स्लो चलाने में ये फ़ायदा है कि स्लिप ना हो कहीं पर भी, सेफली हम पहुँचें। सो गाइस, अभी मैं केलोंग में हूँ, ये केलोंग आ चुका है, तो केलोंग से आगे अब जिस्पा है, तो जिस्पा में मेरा स्टे है, तो ये है केलोंग। केलोंग भी काफ़ी फेमस जगह है, काफ़ी लोग केलोंग में स्टे करते हैं, केलोंग में रुकते हैं। और ये रहा केलोंग का साइन बोर्ड, सो दिस इज केलोंग। सो गाइस, अभी एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, तो उस पर लिखा हुआ था डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा, लामा की लैंड पे गामा ना बने गाइस, आराम से चलाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें,
सेफली रहे हैं। जिस्पा 17 किलोमीटर्स दूर। कैमरे को ही लेफ्ट राइट सेट कर देता हूँ सो डैट की लेफ्ट राइट के व्यूज़ आ जाएं। और यहाँ पे थोड़े लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, साइडों में पत्थर गिरते हुए मिलेंगे जगह जगह। तो गाइज अभी मैं हूँ जिस्पा में। जिस्पा में मैं यहाँ पे देखता हूँ होम स्टे, कैंपिंग एंड होटल्स में जो भी मेरे को बेटर लगेगा तो मैं उसे देखता हूँ, पिक करता हूँ। सो गाइज अभी मैं पहुँच चुका हूँ जिस्पा। सो मेरी जो जर्नी थी मुझे 3 घंटे में कवर अप करनी थी, लेकिन रुकते हुए आराम से रेस्ट वगैरह करते हुए मैं 4 घंटे में कवर अप करके आया हूँ। तो मैं करीब 1 बजे चला था मनाली से और 4 बजे पहुँचना था जिस्पा, लेकिन अभी मैं पहुँचा हूँ 5 बजे जिस्पा में। तो अभी मैंने सारे लगेज वगैरह अनइंस्टॉल कर लिए हैं बाइक से। उसके बाद मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने कैंप करा है, तो कैंप मैं आपको दिखाता हूँ कैंप कैसे अंदर। कैंप के पीछे रिवर है, पूरी रिवर साइड कैंप है बेसिकली, वहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ। बेसिकली मैं व्यू उस वीडियो में नहीं दिखाने वाला, नेक्स्ट वीडियो में व्यू आपको दिखाऊंगा। तो यहीं ये वीडियो में यहीं एंड करता हूँ। मैंने अपना स्टे ले लिया है जिस्पा में, मनाली टू जिस्पा, मेरा डेट कवर हो गया है। मैं रात को यहीं स्टे करूँगा और कल सुबह निकलूँगा जिस्पा टू ले। सो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।